का अनुभव रहा, काफ़ी समय अध्यक्ष रहे, तो मैं पहले शुरुआत इन्हीं से करता हूँ कि आप इस संगठन पर कुछ ना कुछ काम करा दो, कि शुरुआत करें कि किस कैसे सिस्टम आया है पार्टी की तरफ से। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी जुबैर अहमद और हमारे हरी भगवान कुमार जी और यहाँ पर मोदी तमाम उपेंद्र जी लाइव जिन्होंने आज ये मीटिंग आयोजित की है और यहाँ सभी लोग बैठे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। आज जो हमारी ये मीटिंग है, जो हमारा जैसे अभी भाई ने कहा हमारा संगठन जो है वो कमजोर है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरी दिल्ली को दिशा निर्देश दिए हैं कि हम हर ब्लॉक में दो मंडल अध्यक्ष बनाएंगे और हर ब्लॉक में ही तीन से चार कम से कम सेक्टर अध्यक्ष बनाएंगे। उन सेक्टर मंडल अध्यक्ष के एक बनाएंगे हम आधी वार्ड से और आधे वार्ड से दूसरे को, तो उनको चुनना हमें आपको है। बहुत सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपको जिसको भी मंडल अध्यक्ष बनाना है बहुत सोच समझ कर उसका चयन करना है, क्योंकि वो मंडल अध्यक्ष इतना मजबूत होना चाहिए कि उसके नीचे कम से 25-30 आदमी काम करने वाले हों, उसके साथ 25-30 लोगों की टीम हो, ऐसी दूसरे मंडल अध्यक्ष आपको तैयार करना है। आपके पोलिंग स्टेशन पर कितने बूथ हैं, कितने वो हैं, उसके हिसाब से आपको सेक्टर अध्यक्ष बनाने हैं। आप 3 बनाइए, 4 बनाइए, 5 बनाइए, ये जो ब्लॉक अध्यक्ष के नीचे होंगे सब ये मंडल से हमें ये होगा। जो आज हमारे अंदर कमी है हमारे ब्लॉक में बिल्कुल नहीं है, जैसे हमारा ब्लॉक बिल्कुल बहुत टाइम से मौजपुर की अगर बात करें तो बहुत टाइम से बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। इसको मजबूत करने के लिए हमारे बिल्कुल सीनियर लोग, उतने तजुर्बेकार लोग हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं यहाँ पे, जिनके आशीर्वाद से विनोद भाई मैं आपको भी कहता हूँ आप यहाँ से चुनाव लड़े हो, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा आपने, नसीब में नहीं थी जीत हमारे, हमें जीत नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं। देखा कई बार मैं आपके ऑफिस में आके कि लोग जितने सीनियर लोग थे वो सब आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे थे, वोट नहीं मिल पाए वो बात अलग है, लेकिन जिसके साथ में अगर सीनियर मेंबर वरिष्ठ नेता जिसके साथ जुड़े हुए हैं ये उसकी बहुत बड़ी जीत होती है और ये आपकी जीत ही है, इसको हार मत समझना, कोई बात नहीं लगा रहता। हमने बहुत अच्छी फाइट की, हमें अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया था तो आम आदमी पार्टी थी, शीलापुर विधानसभा में अगर किसी ने हमें नुकसान पहुँचाया था ज़्यादा तो आम आदमी पार्टी थी। आप कैलकुलेशन करके देखिए चारों वार्डों में आज की तारीख में आम आदमी पार्टी चौथे नंबर पर आई है, 41,000 वोट हमारे सीलमपुर विधानसभा के पोल में है, 41,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले सिर्फ, दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है उनको लगभग 30,000 के करीब वोट मिले और भारत आपने आम आदमी पार्टी को 20,000 वोटों में समेट दिया, ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। पहले चौधरी वजीर को हराया आजीज शराब खान ने, वो जीते थे, उसके बाद अब्दुल रहमान ने चौधरी साहब को फिर हराया लगातार, हम दो चुनाव हारे, लेकिन आपने जो इस बार सपोर्ट किया कांग्रेस पार्टी को और 41,000 वोट हमें दिए ये मुड़कर देख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला लोकसभा का इलेक्शन जब से 5 से 6 महीने के बाद होने वाला है, अगर आपने इस मंडल अध्यक्ष मंडल पर, लेकिन उसके लिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ आपका सबका आशीर्वाद चाहिए, जो विनोद भाई टीम बनाए, अनिल भाई टीम बनाए, नवीन भाई बैठे हैं, सब गुलाब भाई हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस्माइल भाई हैं, ये सब मिलके आप सब लोग मिलके एक दूसरे का साथ बनिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और बहुत मजबूत करके वार्ड अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष का चुनाव कीजिएगा। आपके अगर मंडल अध्यक्ष मजबूत हो गए, आपके सेक्टर अध्यक्ष मजबूत हो गए तो आपको हराने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हमारा संगठन बहुत ज़्यादा कमजोर था, मजबूत वार्ड में बिल्कुल नहीं था, मैं तो कहता था ही नहीं बिल्कुल भी, तो इसलिए मेरी जी ये जो मंडल और सेक्टर है मैं हर मीटिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश का अभी सर्वे आया 3 दिन पहले, सबसे पहले 5 राज्यों का सर्वे मध्य प्रदेश का आया और 135 में तो 95 सीट उस चैनल ने दिखाई जिन्हें कभी हमें नहीं दिखाया, भाजपा को दिखाता था उसने मजबूरी में दिखानी पड़ेगी, उसकी सबसे बड़ी वजह मंडल और सेक्टर का, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा काम मंडल और सेक्टर को हुआ है, किसी और जिन तक उसका काम नहीं किया हमारी पार्टी ने, मंडल सेक्टर में जब पहुंच गए तो आप समझो कि घर घर पहुँच गए, सेक्टर मंडल हो गया एक वार्ड के अंदर 2 मंडल, बड़ा भी बात चला कि मंडल तो भाजपा का है, लेकिन भाजपा की भी बोल रहे ना कि भाजपा में ही होगा जो हमने कर डाले हमारा इसका उसका कैसा हो जाएगा। सेक्टर जो है एक मंडल में लगभग 5 सेक्टर, 4 से 5, और सेक्टर जो बांटे गए वो ऐसे बांटे गए कि एक स्कूल में के 6 बूथ हैं और उसको एक सेक्टर बना दिया, वो लिस्टें बन चुकी है, आप सबके सलाह मशवरे से बनी थी,
हमारे सेक्टर भी तैयार है, हमारे मंडल भी तैयार है, उसके लिए अध्यक्ष का नाम चुनने हैं। पार्टी का मानना ये है कि हमने तो बहुत सुना दिया, हमेशा नेता ही सुनाता है, अब नीचे जाओ और नीचे जाके कार्यकर्ता से जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनसे सुनो वो क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे जो प्रभारी मदन प्रदेश साहब है इनको बनाया इसलिए गया है, हमें क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि चाहे वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हो या जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हो, नियुक्तियां हुई और नियुक्तियां होने के बाद आप सबको पता चलता था कि अमुक आदमी को ये पद मिला है। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने, खासतौर से जो अभी नए अध्यक्ष हमारे बने हैं, सबका यह सुझाव था कि भाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनकी कमेटियां, हमारे पास तक ये ब्लॉक तक का संगठन अभी है, कहीं हो सकता है कि कमजोर हो, कहीं हो सकता है कि बहुत मजबूत हो, लेकिन वो संगठन मौजूद है। अभी हमारे पास ब्लॉक के बाद मंडल, सेक्टर और बूथ, ये संगठन हमारे पास मौजूद नहीं। तो ये तय हुआ कि पहले फेज में मंडल अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष उन्हीं गलियों में, उन्हीं मोहल्लों में, उन्हीं ब्लॉक और वार्डों में जाकर हम वहां की आवाम से ये पूछें कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। जब आप एक काउंसलर को वोट कर सकते हैं, एक विधायक को अपना वोट का अधिकार इस्तेमाल करते हैं या एक सांसद के लिए वोट करते हैं, तो आपको यह अधिकार भी होना चाहिए कि आप मंडल अध्यक्ष और सेक्टर अध्यक्ष को भी अपनी मर्जी से, अपने बीच का आदमी, अपने से खुद से चुनकर पार्टी को बताएं कि हमारा ये नुमाइंदा इस सेक्टर में या इस मंडल में काम करेगा। जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो एक समाज, एक तबके, एक बिरादरी के साथ चलने वाली नहीं है। और ये जब कांग्रेस पार्टी का वजूद जब हुआ और इस देश से आजाद कराएंगे अंग्रेजों से, तब सभी लोगों ने मिलकर देश की आजादी के लिए जिस तरह से भी हो सकता था उस तरह से कुर्बानियां दी। उन्होंने एक सभा में कहा कि हिंदू हिंद की मर्यादा है, हिंदू हिंद की मर्यादा है, मुस्लिम शान है लोगों, एकता के इस देश की देखो ये पहचान है लोगों, वो कहीं पे रखी गीता और कहीं पे है कुरान, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। मेरे बुजुर्गों ने तो ऐसा हिंदुस्तान दिया। भाई से भाई को लड़ना चाहिए, घरों में दीवारें बनानी चाहिए, मोहल्लों की तकसीम हो जाए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों से मुसलमानों से कहा था कि इस देश में रहना है तो हिंदू भाइयों के जज्बात का ख्याल रखकर रहना है, यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता को बनाकर रहना है। और हमारे जो हिंदू भाई हैं ये बड़े भाई की हैसियत से यह है यहां पर रहेंगे और हम छोटे भाई की हैसियत से यहां पर रहेंगे। इस देश को समझने के लिए की ये यात्रा पहली बार केरल से कन्याकुमारी तक ऋषि ने की थी, जिनका मंदिर श्रीनगर में आज भी है। आप समझिए कि उसी से सबक लेकर राहुल गांधी केरल से निकले, ऋषि कश्यप उसी से सबक लेकर राहुल गांधी कन्याकुमारी से और कश्मीर तक निकले और वहां पर किस तरह से औरतें, बच्चे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस तरह से राहुल गांधी से मिले और अपना मर्म, अपना दर्द उनको सुनाया। उनका फिर जगह लड़ाइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पुष्पेंद्र शर्मा जी, आप भी दो शब्द कहें। बहुत कुछ हमारा सामान आप वाले जो जादू वाले सकेर के देंगे,
तो मैं आपकी बात से पहली बार संगठन से NHA यूथ कांग्रेस कांग्रेस और आज मतलब गठबंधन हम सबने मिलजुल के बहुत अरसे से हम पार्टी के लिए काम किया। आपकी बात से आज मुझे बहुत समय बाद पहली बार नहीं आज से 10-15 साल पहले कांग्रेस में यही प्रक्रिया हुआ करती थी जो आज उन्हें आपके माध्यम से और आपके विचार से मैं प्रभावित हूँ। और आपकी जो रामायण वाली युक्ति थी या बात थी उसमें एक बात मैं जो अवश्य जोड़ना चाहूँगा कि जब प्रभु राम जी ने अपने नाम से वो पत्थर छोड़ा तो वो डूब गया। अब हनुमान जी तो प्रचंड उनसे बड़ा विदूषक विद्वान और ज्ञानी तो किसी भी युग में कभी नहीं हुआ। उन्होंने हल्के से देख लिया, प्रभु जी चिंतित क्यों होते हो, आपके नाम से तो सब डर जाते हैं, तो जिसे आपने ही छोड़ दिया वो कैसे करे। ये बस संगठन के संगठन की जो बातें हैं, जुबेर भाई युवा नौजवान जिले को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही कैरियर होगा। और संगठन में कोशिश साहब आपसे मुखातिब होते हुए एक बात जरूर अवश्य मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये मंडलम और सेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट अब आया है ये पुराना कॉन्सेप्ट है आपके बहुत जमाने से। पहले हमारे यहाँ AIC प्रेजिडेंट होता था, एक प्रक्रिया है, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर ब्लॉक अध्यक्ष, फिर यूनिट अध्यक्ष, और ये पूरी परंपरा थी हमारी। वो परंपरा भूल गए। आज पुणे आपके माध्यम से, जुबेर भाई के माध्यम से, गोटी साहब के तमाम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब इस पे मंथन कर रहे हैं, तो जरूर इसका निष्कर्ष ये एक तरीके से समुद्र मंथन है और इसमें विष भी निकलेगा अमृत भी निकलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमृत ही निकलेगा क्योंकि तो बहुत विष हम लोग पी चुके हैं, अब विष पीने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप जो मंत्रणा होगी हमारे क्षेत्र में या हमारे जिले में जो भी पदाधिकारी जो भी कार्यकर्ता और आपके माध्यम से लवली जी या खड़गे साहब तक जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं पहुंचेगी उसका हम लोग तहे दिल से सम्मान करेंगे। लेकिन आगे प्रयास करेंगे कि एक मजबूत संगठन पार्टी को मिलेगा क्योंकि जुबेर भाई भी इसी प्रयास में हैं और पार्टी ने भी मदर कुरैशी साहब को भेजा है, तो हम भी प्रयास करेंगे कि संगठन मजबूत बने। इसी कड़ी में मैं दिल्ली प्रदेश में महासचिव रहे बड़े भाई दीपक गोटी जी को संगठन के भी ये भी काफ़ी समय से नमस्कार दोस्तों, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंडित जगदीश शर्मा जी, अजमेर भाई हमारे आज के अतिथि, कुरैशी जी, बाकी जितने भाई बैठे हैं, अनिल जी और हमारे पुष्पिंदर जी और हमारे युवा नेता भाई हरि भगवान जी, देखो हंस पड़े, इनमें एक कमाल है, ये बुढ़ों में बैठे हैं तो जवान है और जवानों में बैठे हैं तो बूढ़े हैं, यही इनकी काबिलियत है और इसी काबिलियत से हम इनसे कुछ पा लेते हैं। कहते हैं अपने से बड़े से दोस्ती करोगे तो कुछ ना कुछ हासिल करोगे, कुछ ना कुछ पाओगे। संगठन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा लेते हैं। अगर अपने ना हो तो गैरों की क्या जरूरत थी। कहते मेरी किश्ती वहीं डूबी जब पानी बहुत कम था, पर हमारे साथ हमेशा यही हुआ है कि हमारे अपने साथी जो कल तक हमारा झंडा लेकर चलते हैं और जब हम टिकट लेकर आ जाते हैं तो वो अपना झंडा अपने घर के बाहर लगा के अपनी दुकान नहीं खोल लेते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भ्रमित हो जाते हैं। पिछली बार भी यही हुआ और हर बार होता है। आगे ये ना हो, आज उसकी गारंटी चाहिए। पुष्पिंदर की बल्लभी बात करते हैं लेकिन कभी कभी बढ़िया बात भी करते हैं। आज उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि बची हुई कांग्रेस के कुछ साथी यहाँ बैठे हैं। ये वाकई बिल्कुल सत्य है, कांग्रेस तो बहुत बड़ी थी यहाँ, कांग्रेसी कहना फख्र की बात होती थी और
आज कांग्रेसी अपने घर में दुबक के बैठे हैं, बाहर नहीं निकलते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह केवल हम हैं, क्योंकि हम अपने लिए जीने लगे, कांग्रेस की बात नहीं करते। आधे लोग कहते हैं ये जेपी का आदमी है भाई, ये लवली का आदमी है, और ये गोठी का आदमी है, और ये फलाने का आदमी है, और ये जो जा रहा है ना ये गली के नुक्कड़ से, ये चौधरी मदीन का है। अरे भाई ये सारे कांग्रेसी हैं, अगर इन सबको कांग्रेसी मान लो तो कांग्रेस कहां से हार जाएगी? कांग्रेस को जिताने के लिए आपको कांग्रेसी बनना पड़ेगा, और कांग्रेसी बनने के लिए आपको आज के दौर में हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए, जैसा जज्बा राहुल जी ने दिखाया। 4000 किलोमीटर पैदल चलना, लोग गाड़ी पे नहीं चलते, गाड़ी में ड्राइवर के साथ जाते हैं तो जाके कहते हैं यार एक हफ्ता लग गया आने में, मर गए। और वहां वो व्यक्ति पैदल चला, और वो व्यक्ति जो एसी में रहा करता है, वो व्यक्ति जिसने धूल नहीं देखी, वो आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, केवल पार्टी के लिए, उसे क्या जरूरत है सड़कों पे धक्के खाने की? आज भी उसके पास इतना धन, इतना धनाढ्य, इतनी इज्जत, इतनी मिल्कियत है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो कांग्रेस के लिए मारा मारा फिरता है। केवल 3 व्यक्ति, अब चौथा भी मान लेते हैं कि एक और हमारा बुजुर्ग खड़गे आ गए हैं, नहीं तो माता सोनिया, बेटा राहुल और बेटिया प्रियंका, ये 3 कांग्रेस के लिए चल रहे थे, चौथा आ गया है। तो मुझे लगता है कि जब 4 मिल जाते हैं तो 5वां आप में से कोई मिल जाए तो पंच परमेश्वर हो जाते हैं, और आप अपने आप को केवल कांग्रेसी कहना शुरू कर दें, यहाँ कांग्रेस जीत जाएगी। यहाँ तो दौर ये चल रहा है कि घर से निकलते हैं, रैली के लिए निकलते हैं, विनोद भाई ने 200 पटके मंगाए, 200 आदमियों के गले में डाले और चल दिए जिंदाबाद जिंदाबाद। अगली गली तक पता चला कि 20 लोग कम हो गए और 50 पटके कम हो गए, उसने अपने गली में से पटका उतारा और चलते हुए बच्चे के गले में डाल दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं रैली में चल रहा हूँ, इस पटके से मेरी शान है, मैं अपनी पहचान बता रहा हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ। अपनी पहचान बताओगे कामयाब होगे। रही संगठन की बात, हमारा संगठन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आगे और मजबूत होगा। बीच बीच में गच्चा खा जाता है, और वो गच्चा जो खाता है उसे संभालना है। यूनिट अध्यक्ष हमारे यहाँ हुआ करते थे, है नहीं, हुआ करते थे, यूनिट अध्यक्ष की जान हुआ करती थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मैं सर राम सिंह जी बैठे हैं हमारे बीच, यूनिट अध्यक्ष मैं ये कहूंगा कि वो बने थे पोलिंग एजेंट, जिस वर्ष में पोलिंग एजेंट बने थे उस वर्ष में मेरा जन्म हुआ था, बात करें कहां से। लेकिन ऐसे परिवार रहे कितने गए हैं, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए, अपनी पहचान बनाते हुए, अपने आप को गर्व से कहो कि मैं कांग्रेसी हूं, तो कांग्रेस आने वाले चुनाव में लौट के आ रही है। लंबी बात ना करते हुए यही विश्राम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।